principal organic compound we have to find out, and CH है भी, फिनाइल है और CH3 है, CL है, डाइफिनाइल ग्रुप है, तो प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अगर SN2 के बाद साथ रिएक्शन करते हैं? तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एट द रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर CL है और CL यहाँ पर आ जाएगा, तो CL किसके ऊपर यहाँ पर है? CL CL SPH की है, एडिशन होने वाली है, तो डेफिनेटली B हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो कोई एडिशन नहीं दिखाई है, ओनली PH दिखाई है यहाँ पर। अगर ऐसा होता तो SN1 रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि उसका रिटेंशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिटेंशन नहीं हो रहा है। SN2 का जो मैकेनिज्म है वो कहता है कि अगर आपका कोई भी रिएक्शन हो जाता है तो उसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होना चाहिए, तो ये हुआ है बी में, तो SN2 फॉलोड बाई